नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार गिराने के साजिश के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़े तीन आरोपियों में से एक अमित सिंह के साथ फोटो वायरल होने के बाद सिमडेगा जिले के कोलेबीरा विधायक ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। विधायक नमन विक्सल ने कहा कि उन्हें सरकार गिराने के लिए मंत्री पद और रुपए ऑफर किए गए थे। रुपया लेने की बात सामने आ रही है, ऑफर करने की बात है। ये बात है, जो अभी तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई है हमारे मुख्यमंत्री जी के सक्रियता की वजह से, और जो बातें सामने आ रही है कि पैसे का लेन देन का बात है, निश्चित तौर पर लेन देन की बात है। और जनवरी माह में ही हम मेरे मुख्य कार्यकर्ताओं से भी लोग संपर्क कर रहे थे, कोई अडानी का बता रहा था, कोई टाटा का बता रहा था, और कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा हम लोगों को जिम्मेदारी दिया गया है। और उसी समय से मंत्री का और करोड़ों का ऑफर आ रहा है, जिसको हम लोगों ने सिरे से खारिज कर दिया था। और उन घटनाओं की जानकारी मैं हमारे सीएलपी लीडर आलमगीर आलम, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रमेश्वर राव जी और हमारे प्रभारी अरविंद सिंह जी को भी मैंने दी थी, और तीन चार माह पहले हमारे सीएम को भी व्यक्तिगत तौर पर जानकारी दिए थे कि इस तरह की गतिविधियाँ चल रही हैं। आपको बता दें कि झारखंड में सरकार गिराने के साजिश में गिरफ्तार आरोपियों ने कई खुलासे किए हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि साजिश में झारखंड के तीन विधायक, दो पत्रकार और बिचौलिए शामिल थे। दिल्ली में तीनों विधायकों से लेन देन की डील भी हुई थी, 1 करोड़ एडवांस का वादा भी किया गया था, नहीं देने पर विधायक रांची लौट गए थे। डील में महाराष्ट्र के दो नेता चंद्रशेखर राव बावनकुले और चरण सिंह शामिल थे। गिरफ्तार अभिषेक, अमित और निवारण ने दोनों को महाराष्ट्र का बीजेपी विधायक बताया था, लेकिन वहां के विधायकों की सूची में इनका नाम नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।